नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ 65 दादी नानी द्वारा बताए गए नुस्खे। नंबर 1, चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए दही और टमाटर के रस को मिलाकर 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगा ले, उसके बाद ठंडे पानी से धो ले। रोज लगाने से 10 से 15 दिन में ही असर दिखने लगेगा। नंबर 2, रात में जल्दी खाना खा लेने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 3, पैरों के तलवे में सरसों के तेल से मालिश करने से आंखों को गजब का फायदा मिलता है। नंबर 4, अगर पेट में गैस सबसे ज़्यादा बनती है तो मेथी दाने का इस्तेमाल करें। नंबर 5, जिन लोगों के मुंह में छाले रहते हो वो खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ चबाए, इससे आराम मिलेगा। नंबर 6, अगर आपके बच्चे की याददाश्त कमज़ोर हो और पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो रोज़ाना सुबह खाली पेट बच्चों को भीगे हुए बादाम खिलाए, धीरे धीरे बच्चों का दिमाग तेज होने लगेगा। नंबर 7, फीके भुने हुए चनों को खाने से भी दिमाग तेज होता है। नंबर 8, ज़्यादा भूख लगी होने पर खाना खाने से शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है। नंबर 9, सिर में कड़वा तेल लगाने से जुएं मर जाती है। नंबर 10, नीम का रस पीने से फोड़े फुंसी नहीं निकलते और खाज खुजली भी दूर हो जाती है। नंबर 11, चाय पीने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत खराब हो जाते हैं और दांतों में पायरिया भी हो सकता है। नंबर 12, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें, इससे दांतों में पायरिया लग सकता है। नंबर 13, रोटी खाना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि रोटी खाने से आपका वजन नहीं बढ़ता है और शरीर को ताकत भी मिलती है। नंबर 14, रात के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपको सर्दी खांसी और जोड़ों का दर्द भी हो सकता है। नंबर 15, खाना खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, इससे खाना अच्छी तरह से हजम नहीं हो पाता है। नंबर 16, गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, इससे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। नंबर 17, चाय को हमेशा ठंडा करके पिए, ज़्यादा गर्म चाय पीने से कैंसर हो सकता है। नंबर 18, ज़्यादा नंगे पांव चलने से आपके तलवों में ताकत रहती है। नंबर 19, अगर आप दिल को मजबूत करना चाहते हैं तो रोज़ाना सेब खाओ। नंबर 20, पैदल चलने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी पी लो, कभी भी कमजोरी नहीं आती है। नंबर 21, केले और अंडे को कभी भी एक साथ नहीं खाएं, ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। नंबर 22, कम बोलने वाले इंसान का दिमाग तेज होता है। नंबर 23, ज़्यादा नहाने वाला व्यक्ति कम बीमार पड़ता है। नंबर 24, चेहरे पर दाग धब्बे दूर करने के लिए टमाटर को काटकर दागों पर लगा ले। नंबर 25, चेहरे पर नारियल तेल मल लेने से चेहरे के दाने खत्म हो जाते हैं और मच्छर भी नहीं काटते हैं। नंबर 26, बैंगन के सलाद के इस्तेमाल से इंसान का दिल बहुत मजबूत बनता है। नंबर 27, प्याज को पानी में डालकर काटने से आंखों में आंसू नहीं आते हैं। नंबर 28, गर्मियों में नींबू का इस्तेमाल जरूर करें, इसके सेवन से हमारे शरीर से कई बीमारियां दूर होती है। नंबर 29, अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आल उबाल कर खाए। नंबर 30, मखाने में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, इससे हड्डियां मजबूत होती है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। नंबर 31, प्याज की खुशबू सूंघने से दिल मजबूत होता है। नंबर 32, मखानों को कच्चा खाने की जगह उन्हें हल्के से देसी घी में फ्राई करके थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर खाएं। नंबर 33, ज़्यादा सोचने और टेंशन लेने वाले इंसान के चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी आ जाती है। नंबर 34, सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस पीना बहुत ही फायदेमंद होता है, एलोवेरा का रस पीने से पेट और आंतों की जलन को कम करने में मदद मिलती है। नंबर 35, रात को सोते समय मुंह और हाथों पैरों को धोकर ही सोए, नींद अच्छी आती है। नंबर 36, बासी मुंह जानबूझकर खांसी करने से सीने का बलगम साफ हो जाता है। नंबर 37,
नींबू और पुदीने का रस मिलाकर पीने से हाजमा ठीक रहता है। नंबर 38, ज़्यादा खाना खाने वाले लोगों को जल्दी ही बीमारियां घेर लेती है, हमेशा भूख से थोड़ा कम खाना ही खाना चाहिए। नंबर 39, अगर खाना खाते समय जुबान दांतों के नीचे आ जाए तो फौरन कोई मीठी चीज़ चख ले, आराम आ जाएगा। नंबर 40, गुर्दों के दर्द में पानी ज़्यादा पिए, इससे गुर्दे ठीक हो जाएंगे। नंबर 41, बासी रोटी खाने से दांतों को ठंडा गर्म लगने की दिक्कत दूर होती है और दांत हमेशा मजबूत बने रहते हैं। नंबर 42, ज़्यादा खट्टी और चटपटी चीज़ें शरीर को नुकसान पहुंचाती है, इनका सेवन कम से कम करना चाहिए। नंबर 43, पेट के बल सोने से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नंबर 44, जो रोज़ाना दही का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पेशाब में इन्फेक्शन नहीं होता है। नंबर 45, कच्चा प्याज खाने से माहवारी ठीक आती है और दर्द भी नहीं होता है। नंबर 46, कद्दू को काटकर आंखों पर मसलने से आंखों की रोशनी तेज होती है। नंबर 47, अगर सांस लेते समय दर्द महसूस हो तो यह पित्त की पथरी होने की निशानी है। नंबर 48, हफ्ते में एक बार पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से पेट साफ रहता है। नंबर 49, अगर आपको चक्कर आने लगे तो एक छोटी इलायची को थोड़े से पानी के साथ सेवन करें। नंबर 50, कच्चा लहसुन खाने से दिल स्वस्थ और मजबूत रहता है। नंबर 51, मक्खन को ठंडा करके एक चम्मच खाने से शरीर को ठंडक मिलती है। नंबर 52, पेट के बल सोने से शरीर का दबाव पीठ और रीढ़ का हड्डी पर पड़ता है, यह सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। नंबर 53, दिन में 1 से 2 बार गुनगुना पानी पिए, इससे दांत मजबूत रहेंगे और चेहरे पर ग्लो आएगा। नंबर 54, नरम रुई को लेकर दूध में भिगोकर आंखों पर रखने से आंखों को आराम मिलता है। नंबर 55, कच्चे नार का पानी उबालकर बालों में लगाने से बालों का बढ़ना शुरू हो जाता है। नंबर 56, रोजाना 8 गिलास पानी पिए, इससे आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। नंबर 57, अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद पानी कभी ना पिए, कुछ समय बाद ही पिए। नंबर 58, खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 59, प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करने से आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, इसलिए प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 60, यदि आप चावल का अधिक सेवन करते हैं तो इससे मोटापा बढ़ने का खतरा बना रहता है। नंबर 61, ज़्यादा ठंडी चीज़ या बर्फ खाने से लीवर कमज़ोर होता है। नंबर 62, हल्दी वाला दूध पीने से शरीर में बहुत फायदे होते हैं। नंबर 63, अंगूर खाने से स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है, इससे चेहरे पर होने वाले दाग धब्बे और झुर्रियां से भी छुटकारा मिल जाता है। नंबर 64, सुबह जल्दी उठने वाला इंसान हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। नंबर 65, अंडे की सफेदी जली हुई जगह पर लगा लो तो छाला नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो में जानकारी, ये है दादी नानी द्वारा बताए गए कुछ नुस्खे जिन्हें अपनाकर आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।